हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे मिक्स वेज की सब्ज़ी। और इसके लिए जो हमें सब्ज़ियाँ चाहिए वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। हमने ये सब्ज़ियों को काट कर रेडी कर लिया है। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, कम से कम तीन से चार स्पून, और फिर इसको अच्छे से गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, डालेंगे हींग, और जब ये अच्छे से हो जाए तो इसमें डालेंगे गार्लिक चॉप करके। अब इसमें आलू डालेंगे, आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर आप देखिए हमारे जो आलू हैं वो थोड़ा सा फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें सारी सब्ज़ियाँ एक साथ ही डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे साथ में, और टमाटर भी डाल देंगे, और फिर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। हमारी सारी सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, और देखिए कितनी कलरफुल लग रही है सब्ज़ी। अब हमारी सब्ज़ियाँ फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर भी इसमें डालेंगे हम। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब इसे सब्ज़ी को मसाले को भी अच्छे से मिक्स करेंगे सब्ज़ी में। अब हम सब्ज़ी को कवर कर देंगे, थोड़ी देर सेम आँच पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हमारी सब्ज़ी देखिए पक गई है, हल्के से नीचे लग गई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो उससे जो है कि ये सब्ज़ी नीचे से जलेगी नहीं। अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, आलू भी अच्छे से पक गए हैं, और देखने में भी कितनी खिली खिली और अच्छी लग रही है सब्ज़ी। इसको आप रोटी के साथ खाइए, परांठे के साथ खाइए, या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं लंच में, दाल चावल। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।